असलाक बच्चों, बच्चों बच्चो इससे पहले हम कायनात जी दुनिया के बारे में हमने पढ़ा था कि दुनिया आर्जी है और ये दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी और एक दिन हमें अल्लाह ताला के सामने पेश आना है बच्चों जब हम कबर में सबसे पहले हम जब कबर में जाएंगे तो सबसे पहले हमें किस के बारे में हिसाब होगा हमारा हमसे सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा इसलिए बच्चों हमें नमाज पढ़ने का तरीका सीख कर नमाज पढ़नी चाहिए अब बच्चों जो है कि बुक में ये नमाज का पूरा तरीका लिखा हुआ है आज हम नमाज का तरीका पढ़ेंगे और ये सीख के आप लोगों ने नमाज पढ़नी है अब बच्चों हम अपनी रीडिंग की तरफ आते हैं सबक नंबर चार, पेज नंबर 16 नमाज पढ़ने का तरीका नमाज इस्लाम का दूसरा एम رکن है अरबी में नमाज को सलात कहते हैं कुरान पाक में बार-बार नमाज कायम करने का दिया गया है नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है और अरबी में नमाज को क्या कहते हैं बच्चों सलात कहते हैं और कुरान में बार बार नमाज कायम करने का हुक्म दिया गया है अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इर्शाद फरमाया है बेशक मोमनू पर नमाज मुकर्रकात पर फर्ज की गई है हर मुसलमान मर्द और औरत पर दिन में पांच नमाजें फर्ज हैं ये नमाजें में अदा की जाती हैं, जिनके औकात ये हैं: नमाज फजर सुबह हल्की हल्की रोशनी ज़ाहिर होने के बाद से सूरज निकलने से जरा पहले तक नमाज फजर का वक्त रहता है नमाज जोर ये दूसरी नमाज है दिन ढलने के बाद से हर चीज़ का साया दोगुना होने तक नमाज ज़ोर का वक्त रहता है नमाज असर नमाज ज़ोर का वक्त खत्म होते ही नमाज असर का वक्त शुरू हो जाता है और सूरज गरूब होने से आधा घंटा पहले तक रहता है नमाज मगरब जो है मगरब की नमाज चौथी नमाज आती है सूरज गुरूब आने के बाद से आसमान पर सुरखी गायब आने तक नमाज मगरब का वक्त रहता है नंबर पांच कौन सी नमाज है नमाज एशिया नमाज़ी नमाजी मगरब के डेढ़ घंटे के बाद से शुरू होकर आधी रात तक नमाज इशिया का वक़्त रहता है नमाज अदा करने का खास तरीका हमें हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद ने सिखाया है नमाज में हम अल्लाह तला के सामने बाद खड़े होते हैं उसी के आगे झुकते और सिर्फ उसी को सजदा करते हैं अब बच्चों हम दूसरे पेज पे जाते हैं पेज नंबर सेवनटीन नमाज की अदायगी का तरीका और तरतीब दर्जायल है अब बच्चों यहाँ पे हम नमाज पढ़ने का तरीका सीखेंगे ये पिक्चर आपको नजर आ रही है एक ए, इसमें सबसे पहले क्या करता है बच्चा नियत करता है आप साथ साथ इन पिक्चर्स को भी देखें और रीडिंग भी करें नीयत नमाज शुरू करते वक्त सबसे पहले नियत की जाती है नमाज फजर के फर्ज अदा करने की नियत जू होगी मैं नियत करता हूँ दो रकत नमाज फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा किबला की तरफ ये देखें ये बच्चा क्या कर रहा है न, नियत कर रहा है अब दूसरी पिक्चर में देखें तकबीर तहरीमा नीयत के बाद दोनों हाथ कानों तक उठाकर तकबीर यानी अल्लाह अकबर कहते हैं नियत करने के बाद जब हम दोनों हाथ कानों तक उठाते हैं बच्चों तो इसे क्या कहते हैं तकबीर तहरीमा कहते हैं नंबर तीन है बच्चों क्याम नमाज में हाथ बांध कर खड़े होने को क्या कहते हैं क्याम कहते हैं अब इस तस्वीर में देखें ये बच्चा हाथ बांध के खड़ा है क्याम में पहले सना इसके बाद ताउस तस्निया सूर फातहा और फिर क्रां पाक की कोई एक सूरत पढ़ते हैं अब बच्चों हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं पेज नंबर एटीन पे नंबर चार क्या होता है बच्चों रुकू अब ये देखें ये तस्वीर में दिखाया गया ये बच्चा रुकू कर रहा है क्या के बाद अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाते हैं और अपने दोनों हाथ घुटनों पर रख कर कम अज कम तीन बार अजीम पढ़ते हैं नंबर पांच रुकू के बाद सीधे खड़े होते हुए अब देखें इस तस्वीर में ये बच्चा सीधा खड़ा है सीधे खड़े होते हुए एक बार समी अल्लाहलीमन हामिदा कहते हैं और सीधे खड़े होकर पढ़ते हैं के बाद सीधे खड़े होते हुए एक बार समी हामिदा कहते हैं और सीधे खड़े होकर बना लाकल हमद पढ़ते हैं इसके बाद बच्चों क्या करते हैं हम सजदे में जाते हैं सजदा फिर अल्लाह अकबर कहते हुए सजदा करते हैं अब बच्चों नेक्स्ट पेज पे जाते हैं पेज नंबर नाइनटीन पे जमीन पर अपनी पेशानी रखकर अल्लाह ताला की अजमत को बयान करना सजदा कहलाता है हर रकत में दो मुर्तबा सजदा करते हैं और सजदे में कम से कम तीन मुतबा सुबह पढ़ते हैं फिर अल्लाह अकबर कहते हुए दोबारा खड़े होकर दूसरी रकत भी पहली रकत की तरह पढ़ते हैं फिर उसके बाद बच्चों नंबर सात क्या करते हैं तशद तश्यद पढ़ते हैं कैसे पढ़ते हैं दूसरी रकत में सजदों के बाद बैठकर अतियात द्रु शरीफ और दवाब पढ़ने को तश कहते हैं तश्यत के बाद क्या करते हैं सलाम फेरते हैं सलाम फेरते हैं उसके बाद बच्चों है नंबर आठ नंबर आठ बच्चों नंबर आठ क्या करते हैं सलाम फेरते हैं सलाम कैसे फेरते हैं तहशत के बाद पहले दाएं तरफ और फिर बाएं तरफ मुँह करके असलाम वही कहते हैं असल वर कहते हैं इस तरह नमाज मुकम्मल हो जाती है नमाज मुकम्मल आने के बाद दवा मांगना नमाज का लाजमी हिस्सा है अमल्फ इसके क्या है नयत रुकू सजदा क्याम तहशत सलाम तकबीर अजमत बच्चों इसमें आज के सबक में हमने क्या सीखा है नमाज पढ़ने का तरीका सीखा है और ये नमाज पढ़ने का तरीका आपने बार बार ये वीडियो सुननी है और ये तरीका सुनना है फिर आप लोगों ने अपनी नमाज शुरू करनी है क्योंकि कब्र में नमाज के बारे में हिसाब लिया जाता है नमाज के बारे में पूछा जाता है बच्चों इस उम्र से लेके आप नमाज में पाबंदी करेंगे तो आगे के आगे की जिंदगी के लिए आप लोगों के लिए आसानी होगी आज की आप लोगों की आदत बन जाएगी इसलिए इसका आपने बार बार वीडियो सुननी है और नमाज पढ़ने का तरीका सीखना है सीखने के बाद आप लोगों ने अपनी नमाज शुरू करनी है ठीक है बच्चो अपना ख्याल रखना है कि अमान